जयपुर में विरोध प्रदर्शन। कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में जयपुर में आज हिंदूवादी संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुबह 10 बजे से बड़ी चौपड़ से शुरू होगा विरोध प्रदर्शन। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में अजमेर में भी व्यापार संघ ने बंद का आह्वान किया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे बाजार। उदयपुर कांड के चारों आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 12 जुलाई तक एनआईए की कस्टडी में भेजा। उदयपुर कांड के आरोपियों के साथ एनआईए कोर्ट में मारपीट, लोगों ने पेशी के दौरान आरोपियों को मारा। राहुल गांधी के वायनाड वाले बयान को उदयपुर की घटना से जोड़कर बताने के मामले में झूठ फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज। कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, कहा आरोपी रियाज बीजेपी का कार्यकर्ता है। बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया के साथ रियाज की तस्वीर जारी की। गुलाबचंद कटारिया के इतने करीबी आदमी जो लगातार उनके कार्यक्रमों में जाते हों और उनके तमाम नेता रियाज अटारी को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताते हों तो ये सवाल उठता है। बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस के आरोपों को बताया गलत, कहा फोटो खिंचवाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, फिर भी लगता है कि मैं अपराधी हूं तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार वालों से मिले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। उदयपुर से बावला भाई नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया। नूपुर शर्मा विवाद में बावला के निशाने पर था टायर व्यापारी नितिन चैन। कन्हैया हत्या मामले में चित्तौड़गढ़ से 3 और लोग हिरासत में लिए गए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले युवक को मिली जान से मारने की धमकी। युवक ने नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विरोध में छत्तीसगढ़ में वीएचपी ने बंद का आह्वान किया। लखनऊ में बजरंग दल के नेता समेत 4 लोगों को मिली जान से मारने की धमकी। दिवंगत कमलेश तिवारी की पत्नी को भी मिली धमकी भरी चिट्ठी। साल 2019 में हुई थी हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या। राजस्थान के बूंदी में भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना मुफ्ती नदीम अख्तर समेत दोनों मौलानाओं को मिली जमानत। 2 लाख के मुचलके और 1-1 लाख के जमानती वारंट पर किया गया रिहा। 3 जून को नूपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन के दौरान दोनों मौलानाओं ने दिया था भड़काऊ बयान। नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई खुशी। नूपुर शर्मा को चेतावनी देना अच्छा कदम, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देश के नागरिकों के दिल की आवाज, लेकिन नूपुर पर हो कार्यवाही। नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी से मुस्लिम संगठनों में खुशी की लहर। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लोगों में न्यायपालिका को लेकर भरोसा बढ़ेगा। जो लोग नाउम्मीद हो चले थे न्यायपालिका से, उनका न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है, एतबार मजबूत हुआ है। महाराष्ट्र के अमरावती में उदयपुर जैसी घटना। फेसबुक पर नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखने पर 21 जून को दवा कारोबारी उमेश कोले की गला काटकर हत्या। पुलिस ने मास्टरमाइंड इरफान खान समेत 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी जांच। आज इरफान खान की कोर्ट में होगी पेशी। महाराष्ट्र के अमरावती में मारे गए उमेश कोले के भाई महेश कोले ने कहा, नूपुर शर्मा पोस्ट की वजह से हत्या, बहुत दुख की बात, भाई का किसी के साथ नहीं था झगड़ा। वैसे भैया का कभी किसी से दुश्मनी थी नहीं, इतने छोटे से 2-4 फॉरवर्ड से एकदम से जानलेवा हमला होना, ये अभी भी हम नहीं समझ पा रहे। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पुलिस कमिश्नर आरती सिंह को हटाने की मांग की। कहा उदयपुर की तर्ज पर अमरावती में हुई हत्या, पुलिस की नाकामी के लिए कमिश्नर जिम्मेदार। अमरावती हत्याकांड पर सांसद नवनीत राणा ने एबीपी न्यूज से कहा, पुलिस ने चोरी का मामला बताकर केस दबाने की कोशिश की। मामले में तत्कालीन उद्धव सरकार कर रही थी अपना बचाव। 11 दिन से 12 दिन से पुलिस डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के अमरावती की, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो आरती सिंह है, जो अमरावती की सीपी हैं, और जो गार्जियन मिनिस्टर थी, वो कांग्रेस को बिलोंग करने वाली गार्जियन मिनिस्टर थी, उन्होंने ये प्रकरण बाहर क्यों नहीं आने दिया। अमरावती मर्डर को लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत से पूछा गया सवाल, राउत ने जवाब में कहा, पूरे मामले की होनी चाहिए जांच। अमरावती में उदयपुर जैसा घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? जांच होनी चाहिए।
महाराष्ट्र विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आज से। आज होगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। कल शिंदे को साबित करना है बहुमत। आज होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए शिवसेना के राजन साल्वी और बीजेपी से राहुल नार्वेकर ने नामांकन किया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और सभी समर्थक विधायक गोवा से मुंबई पहुंचे। शिंदे ने 170 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया। एकनाथ शिंदे को शिवसेना नेता पद से हटाए जाने को शिंदे गुट ने बताया अपना अपमान। कहा, हम इसका जवाब देंगे और कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना नेता पद से हटा दिया था। जब सभागृह गृह के नेता को आप बोलते हैं कि हमने आपको पार्टी से निकाल दिया, तो एक तरह से ये महाराष्ट्र की जनता जो है उसका भी आपको सोचना चाहिए। कहीं हम महाराष्ट्र की जनता का तो अपमान नहीं कर रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समाज सेवी अन्ना हजारे से फोन पर वीडियो कॉल के जरिए की बात। अन्ना हजारे ने शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। धन्यवाद धन्यवाद, आभारी है। हो आभारी है। हैदराबाद में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज आखिरी दिन। शाम 4:30 बजे बैठक खत्म होने के बाद पीएम मोदी करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। करीब 10 लाख लोग लेंगे हिस्सा। हैदराबाद में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में बोले जेपी नड्डा। कहा, पीएम मोदी के विकासवाद ने परिवारवाद को हराया। बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्ट पार्टियों ने विकास के काम में बाधा डालने का काम किया। बीजेपी कर रही है जनता की भलाई के लिए काम। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, पीएम जनता को बताएं बीजेपी सरकार ने कौन सा वादा पूरा किया। हैदराबाद में बीजेपी और टीआरएस में पोस्टर वॉर। केसीआर के पोस्टर के ऊपर लगा पीएम मोदी के स्वागत का पोस्टर। टीआरएस ने लगाए थे अपनी सरकार की योजनाओं के बखान के पोस्टर, उसी के ऊपर बीजेपी ने चिपकाए अपने पोस्टर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केरल दौरे का आज तीसरा दिन। एम्बुलेंस और ट्रामा केयर गाड़ियों को दिखाएंगे हरी झंडी। वंदूर ब्लॉक पंचायत की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से गुजरात दौरा। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे केजरीवाल। पार्टी के नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे और बैठक में शामिल होंगे। केरल के वंदूर में राहुल गांधी ने ईडी की पूछताछ को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता है सरकार उस पर एजेंसियों से दबाव बनाती है। मैं उनके सवालों से नहीं डरने वाला। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बिहार एनडीए को लेकर बड़ा बयान। कहा, बिहार में एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार। नीतीश नहीं तो बिहार में एनडीए का कोई अस्तित्व नहीं। एलजेपी रामविलास पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, बिहार में कभी भी टूट सकता है एनडीए। महाराष्ट्र जैसे हालात बिहार में भी बन रहे हैं। पार्टी के कई लोग हैं नाराज। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, और अब तो भैया ये सुनी सुनाई बात नहीं है। प्रखर होकर मुखर होकर बड़े नेता बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की नीतियों का विरोध अब सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता करते हैं। साल 2002 में हुए गोधरा कांड के मुख्य आरोपी रफीक भटुक को हुई उम्र कैद की सजा। गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जलाने के आरोप में गोधरा सेशंस कोर्ट ने रफीक को उम्र कैद की सजा सुनाई। 27 फरवरी 2002 को 59 कार मजदूरों को जिंदा जला दिया गया था। दिल्ली के पश्चिम विहार में बिल्डर अमित गोयल की गोली मारकर हत्या। हत्यारों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस की नौ टीमें। यूपी के मुरादाबाद में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी को सरेआम गोली मारी। गंभीर रूप से घायल व्यापारी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के शामली में अवैध कब्जा हटाने के विरोध में झड़प के दौरान किसान की मौत। परिजनों ने राजस्व टीम पर लगाया हत्या का आरोप। कानूनी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने लगाया बिना नोटिस के कब्जा हटाने का आरोप। यूपी के बरेली में प्रिंसिपल पर महिला शिक्षकों के साथ अश्लीलता का आरोप। शिक्षिकाओं ने विरोध किया तो प्रिंसिपल ने दी धमकी। महिला शिक्षकों ने बनाया प्रिंसिपल की हरकतों का वीडियो। स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ शिक्षा विभाग ने जांच शुरू की।
मध्य प्रदेश के गुना में जमीनी विवाद में आदिवासी महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अवैध कब्जे वाली जमीन को सरकार ने आदिवासियों को सौंप दिया था। गुस्साए दबंगों ने महिला के विरोध करने पर आग लगा दी। यूपी के कानपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद फंदे से लटकता मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। शव को पुलिस चौकी में रखकर काटा बवाल। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं लोग। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट ने कहा जांच के दौरान जमानत देने का कोई आधार नहीं। बिहार के बेतिया में हथियार दिखाकर ग्रामीण बैंक में लूट। 5 बदमाशों ने लूटे करीब 4 लाख रुपए। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान कर रही है पुलिस। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 17,070 नए मरीज मिले। एक दिन में 24 लोगों की मौत। कुल एक्टिव केस 1 लाख के पार। बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है। जो लोग यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए वर्चुअल यात्रा और पूजा का प्रावधान किया गया है। बेहद कम कीमत पर दी जाएगी सुविधा। मणिपुर में लैंडस्लाइड के मलबे में दबे सैनिकों का पता लगाने के लिए पेनिट्रेशन रडार तकनीक और स्निफर डॉग का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सेना के मुताबिक मलबे में 12 सैनिक और 26 लोग दबे हुए हैं। 18 जवानों समेत 24 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 18 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। असम में आई बाढ़ के बाद बिगड़े हालात के बीच लोग 14-15 दिनों से ही घरों में कैद हैं। लोगों को हो रही है खाने पीने और राशन की दिक्कतें। सिलचर शहर और गांव में हजारों घर डूबे। बिहार के सहरसा में 2 दिनों की बारिश से बढ़ा कोसी नदी का जलस्तर। कई खेत नदी में समाये। तेजी से बढ़ रहा है खेती की जमीन का कटाव। यहाँ हर साल बाढ़ की तबाही झेलते हैं लोग। बिहार के कैमूर में एक दिन की बारिश में सड़क, अस्पताल और स्कूल डूबे। दसर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड भी पानी में डूबा। खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से चारों तरफ भरा नाले का गंदा पानी। पंप के सहारे पानी ड्रेन करने की कोशिश में जुटा नगर पंचायत। बिहार के दरभंगा में अधवारा के धौंस नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ से बचने के लिए पुल बनाते दिखे ग्रामीण। लोगों ने पुल बनाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई लेकिन प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। साउथ के सुपरस्टार विजय देवराकोंडा की आने वाली फिल्म लाइगर का पोस्टर हुआ जारी। पोस्टर शेयर करते हुए विजय ने कैप्शन में लिखा, इस फिल्म में मेरी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल हुआ है। इस फिल्म का निर्देशन पुरी जगन्नाथ ने किया। सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल जर्मनी से लौटे। जर्मनी में केएल राहुल की सफल सर्जरी हुई है। राहुल के साथ उनकी गर्लफ्रेंड आथिया शेट्टी भी जर्मनी गई थी। इन्फिनिक्स जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी नया टीवी। बजट सेगमेंट में ग्राहकों को कई एप्स प्री लोडेड मिलेंगे। 32 इंच की स्क्रीन साइज के साथ ये स्मार्ट टीवी 11 से 12,000 रुपए की रेंज में हो सकता है लॉन्च। फायरबोल्ट ने लॉन्च की बजट स्मार्ट वॉच फायरबोल्ट रिंग 3। टच स्क्रीन वाली स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग कैमरा और फिटनेस फीचर दिए गए हैं। इस पर 1.8 इंच का स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। इसके डायल पैड में कॉन्ट्रैक्ट सिंक का ऑप्शन भी दिया गया है। यूजर इसकी मदद से अपनी स्लीपिंग टाइम स्टेप काउंट भी ट्रैक कर सकते हैं। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।